राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार उन्हें रिहा करना चाहती है, लेकिन राज्यपाल लंबे समय से इस मामले को कोई फैसला इस पर नहीं ले पा रहे हैं, लिहाजा कोर्ट को फैसला लेना पड़ा है। जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने यह फैसला लिया है। इस पर हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की पैरवी कोर्ट में करने वाले वकील हमारे साथ हैं नवल किशोर झा। झा साहब, ये बताइए इस पूरे फैसले को किस रूप में देखा जाए? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है, जिससे ये राजीव गांधी एसोसिनेशन का जो मामला था, ये 2018 में ही वहां के गवर्नर, वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वहां पे जयललिता ने रिकमेंड करके दिया हुआ था कि भाई इनको छोड़ दिया जाए, 2018 की बात है ये वाली, और गवर्नर के पास में 161 के तहत इसको छोड़ने का पूरा अधिकार था कि 161 में इसको रिमिशन और इसको रिलीज कर दिया सकता था, लेकिन उन्होंने इस पे काफी दिन तक वहां बैठे रहे। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल इस पर फैसला लेने में असहमति जता रहे हैं या वो राष्ट्रपति को भेज रहे हैं तो हम यहाँ बैठे हुए हैं ये सब सुनने के लिए। और उन्होंने एक पेरिवलन केस की हवाला दिया है कि उसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर किसी का रिकमेंडेशन करता है रिमिशन के लिए या छोड़ने की बात, तो राज्यपाल जो है बाध्य है उसको छोड़ने के लिए, उस पर साइन करने के लिए, जो 2018 से लेकर के अब तक जो है राज्यपाल चार साल तक उसमें बैठा रहा हुआ है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि पेरिवलन केस को मद्देनजर देते हुए 142 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय न्यायाधीश ने इन 6-7 अभियुक्त को छोड़ दिया गया है। जो पूर्ण न्याय करने के लिए कोर्ट अपनी तरफ से विशेष अधिकार होता है, विशेष अधिकार को इस्तेमाल किया गया है, और 6-7 पेरिवलन के केस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सबको छोड़ दिया है। इनके गुड आचरण का भी, इनका अच्छा आचरण को देखते हुए, फिर कुछ लोगों ने जेल के अंदर रहते थे कंप्यूटर का डिप्लोमा भी लिया है। कहने की ये है कि यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई रिकमेंड किया है, अगर स्टेट कैबिनेट ने अगर किसी चीज का रिकमेंडेशन किया है, तो राज्यपाल बाध्य होता है उसको 161 के तहत कि उसको माने, और राष्ट्रपति भेजने का इसमें सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए 142 का विशेषाधिकार इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6-6 अभियुक्त को छोड़ दिया गया है। यही एक ट्रस्ट है लास्ट में, यानी ये फैसला अपने आप में एक नजीर भी है और सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेषाधिकार का एक तरह का इस्तेमाल। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।